एक और बड़ी डेवलपमेंट, यूक्रेन के इरपिन शहर में रूस ने जबरदस्त तबाही मचाई हुई है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने भी जोरदार पलटवार किया है। शहर का जो एंट्री पॉइंट है वहां पर रूसी सेना के टैंक ध्वस्त पड़े नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता सुमेरा खान की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त इरपिन शहर में जहां से दाखिल होते हैं वहां पर मौजूद हैं, और देखिए यहां जब आप शहर में घुसने की कोशिश करेंगे उसके बाहर ही ये सबूत दिखाई देता है कि किस तरह से टैंक पूरे के पूरे उड़ गए हैं, परखच्चे उड़ गए हैं टैंक के। और कहा यह जा रहा है कि दरअसल यूक्रेनी सेना को जिस तरह के हथियार मुहैया कराए गए ब्रिटेन की तरफ से, बाकी दूसरे देशों की तरफ से, जिनमें NLAWs शामिल हैं, इस तरह के हथियार शामिल हैं जिन्हें कंधे पर रख कर फायर किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस तरह के हथियारों से इन टैंकों को उड़ाया गया है। और यहाँ से जब रिट्रीट कर रही थी रूसी सेना, यानी यहाँ से जब वापस जा रही थी इरपिन से, उस वक्त इस तरह से जो रूसी टैंक हैं उन्हें निशाना बनाया गया। इस पूरे रास्ते पर जहाँ से हम आगे बढ़ते हुए आए हैं वहाँ आपको युद्ध की जो विभीषिका है वो साफ तौर पर दिखाई देगी कि किस तरह के हालात रहे होंगे यहाँ उस वक्त जब लड़ाई हो रही थी, जब यहाँ पर यूक्रेन की सेना रूस की सेना के साथ जंग लड़ रही थी। और यहाँ से हम आगे जब दाखिल होंगे इरपिन शहर में तो और इस तरह के दृश्य देखने को मिलेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।